रिकॉर्डिंग जनता जनार्दन ये आप लोग भी मुझे देख सकते हो करेक्ट ओके मेरी इंस्ट्रक्शंस को किसने ईमानदारी से फॉलो किया है कि लंच ज्यादा हेवी नहीं किया है अच्छा तो उसके दो रीजन है आई नो वो दो रीजन मुझे पता है एक रीजन है कि सर आज अभी आपने कहा था नहीं फिर तो अच्छा मैं तो आज वैसे भी सर पार्टी देने वाले हैं और सर ने बोला भी था ईमानदारी से बोलो किसने ये सोच के नहीं किया खाना किसने नहीं खाया खाना किसने नहीं, किस नहीं खाया अच्छा, अच्छा नाश्ता ही कर लिया चलो ठीक है लाइट लाइट लेते मैं अगेन बोलो दबा के खाओ बट उतने ही खाओ जितना पेट में जाएगा मैं तो दबाओ के खाओ मतलब सर नहीं उधर उधर दबा के मत खाओ ठीक <laughs> है YouTube आया नहीं अच्छा ना भाई ये ऐसी बातें थोड़ी YouTube पे आनी चाहिए हारे हैं ना रे हाँ हाँ किधर है अच्छा अच्छा ना फिर अच्छा रुक गया था यो? आया ना आएगा रे। किधर जाएगा हाँ YouTube पर तू है ना उसको म्यूट करके रख दिया हाँ तुझे देखा तो मुझे वो मैच याद आती जो नहीं थे उनको बता दू मैच के अंदर जागृति ना जागृति मैच के अंदर जागृति जो बॉल फेंकती थी, थी उस पर हर बॉल पे सिक्स और जब बैटिंग थी पहले बॉल पे आउट ये फिक्स था बट ये भी एक मेमोरी है ना सोच जो सिक्स मारते पूजा में याद है कि फिफ्टी फिफ्टी मारने वाली प्लेयर ठीक तो है ना यार मैं मैं ज्यादा लोड नहीं लेता इसका यूट्यूब वालों को क्या कर सकते उसको देखो भाई फ्री में देखना बट कुछ लिमिट होता है ना फ्री में देखने का अपलोड कर देंगे बाद में हुआ तो अच्छी बात है एक सेकंड ट्राई कर लेते नहीं तो टाटा बाबा हम अपलोड कर देंगे इधर तो है आया तो बोल नहीं आया तो कुछ मत बोल समझ गया आया तो सिर्फ तम सब कर ओके, okay, तो मैं जैसे कि हमारे लास्ट सेशन में मैंने आपको कहा था उसके बाद मेरा और शिवम सर का काफी डिस्कशन हुआ कि एग्जैक्टली exactly आप लोगों को जो जून ट्वेंटी टू का आपका जो अप्रोच है जर्नी है वो कैसे होना चाहिए ऐसा ना हो कि मैं कुछ और बोलूं, शुभम सर कुछ और बोले करेक्ट तो हम लोगों का एक हेल्दी डिस्कशन हुआ उसमें एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी बाहर आया शुभम सर भी आपके साथ मे बी अगले दो चार दिन में कभी भी शेयर करेंगे उन्होंने कहा मैं जब यूट्यूब लाइव जाऊंगा तो मैं उनको बता दूंगा बट आप जरूर बताओ आपके एंड से जो भी हमारा डिस्कस हुआ बिकॉज इसके बाद आपका हर एक दिन कीमती है बिकॉज देर बी मेनी डेज बिफोर यू एग्जाम जून ट्वेंटी टू एग्जाम वेर ऑल विल नॉट बी वेल विथ यू कंटिन्यूस होने वाले कुछ ऐसे दिन होने वाले जहाँ पे आपकी पढ़ाई नहीं होगी तो आज जो अभी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे उसमें जो आपके प्रोफेशनल के नाइन सब्जेक्ट्स है मैं यहां पे लिखना स्टार्ट करता हूं प्रोफेशनल के आपके जो नाइन सब्जेक्ट्स है उसमें कौन से सब्जेक्ट के क्लास आपने पहले स्टार्ट करनी चाहिए कब कंप्लीट करनी चाहिए कौन से सब्जेक्ट को आपने अप्रोच कैसे रखना चाहिए वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले यहां पर सीएस प्रोफेशनल लैपटॉप को कुछ तो हो गया है रुको शायद मैं कुछ गलत कर रहा था अब नहीं आएगा शायद हाँ अब नहीं आएगा सी एस प्रोफेशनल जून ट्वेंटी टू मुझे बोलो कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक या दो मॉडल देने वाले बी ऑनेस्ट सर मैं एक या दो हाउ मेनी मॉडल्स टू विच फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड एनी स्पेसिफिक रीजन जस्ट आई वॉन्ट टू नो एनी स्पेसिफिक रीजन येस विल स्टार्ट विथ यू बी ऑनेट सी जितना ट्रांसपेरेंटली आप शेयर करोगे ना उतना स्ट्रेटेजी बनाने में मुझे और बताने में मजा आएगा जो भी है बोलो यू स्टार्ट फर्स्ट हा स्पेसिफिक रीजन

अगर आप फर्स्ट और थर्ड देते हो तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं है सेट ऑफ का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप तीनों मॉड्यूल देते हो मैं आपको बता दू फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ अच्छा तुम्हारी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट है ओके 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 यू हैव जॉब इन फाइन विथ यू आई कैन एग्री बट फॉर अदर्स जिनका जॉब नहीं है सबसे पहले मैं क्लियर कर दू सेट ऑफ आपको तभी मिलेगा जब आप तीनों मॉड्यूल दोगे नंबर नंबर टू अगर कोई मुझे पूछे कि मुझे दो ही मॉडल देना है हो सकता है भाई डेफिनेटली यू कैन हैव अ थॉट बट फिर उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑलवेज पिकअप सेकेंड मॉडल विथ थर्ड मॉडल आप बोलो इसे ऐसा क्यों आप तीनों मॉडल दो दो तीनों मॉड्यूल बट तैयारी सेकंड और थर्ड मॉडल की करो फर्स्ट मॉडल सिर्फ सेट ऑफ के लिए देना है आपको पॉइंट देना तीनों मॉड्यूल है बिफोर स्टार्ट और स्ट्रेटेजी में आपको ये अप्रोच बता रहा हूँ अगर कोई स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचते हैं फर्स्ट और थर्ड देते गैप मिल जाएगा पढ़ाई के लिए पर वो पढ़ाई का गैप नहीं मिला तो भी चलेगा रीजन मैं बता रहा हूँ इंडिविजुअली सेकेंड रूप क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है इंडिविजअली सेकेंड रूप क्लियर करना डिफिकल्ट क्यों है बिकॉज सेकेंड रूप में सीएरा है आर सी डी है और ड्यू डिज पूरे थियोर सब्जेक्ट है अगर आप तीनों मॉडल देते हो जिसमें आप सेकेंड और थर्ड पर फोकस रखते हो सेकेंड और थर्ड पर फोकस रखते हो फर्स्ट मॉडल से किसके लिए सेट ऑफ के हिसाब से अपियर होते हो प्रेजेंट रहते हो तो सेकेंड और थर्ड में आपको सेट ऑफ मिल गया फर्स्ट इंडिविजुअली पास करना क्यों आसान है बिकॉज एक बार थर्ड मिल गया तो आपको फर्स्ट में टैक्स को पढ़ने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा टैक्स में आप पचास मार्क ला सकते हो ड्राफ्टिंग में पचास मार्क ला सकते हो गवर्नेंस में पचास ला सकते हो इंडिविजुअली ग्रुप वन पास करना आसान है एज कंपेयर टू ग्रुप टू और बट नेचुरली आप अगर दो ग्रुप दो ग्रुप का सोच रहे हो तो उसमें एक कॉमन तो मॉडल थ्री आएगा मॉडल तो आना ही आना है यह मेरा आपको सजेशन होगा एंड ऑफ द डे चॉइस इज बट जो लोग भी दो मॉडल का सोच रहे थिंक ऑफ सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट क्लियर है ओके तो आपके अभी जून ट्वेंटी टू के लिए हम लोग जब ये तीनों मॉडल्स को यहां पर इसका स्ट्रेटेजी डिस्कस करना शेयर करेंगे अरे यार क्या है डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे ऐसा बीच में बोलते रहते मैं मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मॉड्यूल थ्री मैं सब्जेक्ट्स नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा आपने 10 जनवरी तक आज से 10 जनवरी तक आपने कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए आज से 10 जनवरी यू हैव सफिशियंट टाइम इन हैंड इफ यू आस्क मी पर्सनली अगर आज का ट्वेंटी अक्टूबर अगर मैं काउंट करूं तो नवंबर दिसंबर दो महीना जनवरी का एक दस दिन साठ सत्तर दिन और आज के दस दिन अक्टूबर के मतलब अस्सी दिन एटी डेज में से आप दस दिन कंटिन्यूंस पकड़ लो पंद्रह दिन कंटिन्यूंस पकड़ लो दिवाली में पांच दिन जाएंगे बीच में और पांच दिन जाएंगे कहीं और पांच दिन जाएंगे घूमने गए पंद्रह दिन इससे ज्यादा आप कंटिन्युएंसिज अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको पहले यह प्लान करना है कि फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू टेंथ ऑफ जैन यू हैव एटी डेज अप्रोक्स को सर एटी टू है एटी थ्री है एटी डेज अप्रॉक्स जिसमें से आपके पास कंटिंजीज में मैं ट्वेंटी परसेंट मतलब अगेन सिक्सटीन होगा बट मैं फिफ्टीन डेज में रहू ट्वेंटी परसेंट कंटिंजीज काउंट करके आपके हाथ में कितने डिस्काउंट करो सिक्सटी फाइव डेज इज इज क्लियर मतलब जब भी आपका किसी दिन पढ़ाई नहीं होगा दस जनवरी तक लेक्चर देखकर नहीं होगा किसी कारणवश तो आपको कंटिनजें के एक एक दिन को कट करते जाना है और आपको हर बार यह नजर रखनी कि आपका कंटिनजी किसी भी हालत में पंद्रह दिन से ऊपर ना जाए यह एक चीज फिक्स्ड है इनफैक्ट उससे कम रहा तो आगे आपको और बेनिफिट मिलेगा कैसे मैं आपको बताऊंगा अब आते हैं वन का टू का और मॉडल थ्री का वो कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज करना चाहिए तो आप मुझे अगर पर्सनली पूछोगे मॉड्यूल वन का जो सबसे वास्ट और सब्जेक्ट है है वो टैक्स मॉड्यूल टू का सबसे वास्ट और टफेस्ट सब्जेक्ट टफेस्ट नहीं कि वास है, तो कैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो टफेस्ट नहीं होगा मॉड्यूल थ्री का अगेन वास्ट सब्जेक्ट है फंडिंग तो टैक्स सीआरआई फंडिंग ये तीन वास्ट सब्जेक्ट्स है

फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी है आपको फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी वन एप्लीकेबल है और मैं आपको बता रहा हूं आपको गुमराह करने वाले मार्केट में काफी ऐसे लेक्चर्स कोई रिकमेंड कर सकता है टैक्स के लेक्चर्स अभी से कर लो टैक्स बहुत वास्ट है होगा नहीं मेरी बात ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूँ मैं टैक्स में मेरा कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है मैं आपको बहुत सोच समझ के बता रहा हूं आपने टैक्स के वही टीचर के लेक्चर देखने चाहिए सलीम सर से मेरे खुद बात की सलीम सर ने कहा अभी अगर हम स्टूडेंट्स को डिसंबर ट्वेंटी के लेक्चर देते हैं तो वो इनजस्टिस होगा मैं उनको बराबर से वही लेक्चर दूंगा जो जून ट्वेंटी के लिए एप्लीकेबल है जून ट्वेंटी टू के एप्लीकेबल तो मैं अगेन कहूंगा को आपको गाइड करे बोले कि यार टैक्स अभी स्टार्ट कर बहुत महीना तुझे लगेगा नहीं लगेगा डोंट वरी प्रॉपर वे में जाना है तो अटेम्प्ट हो होगा तो टैक्स गया बच्चे दो सब कौन से सीआरआई एंड फंडिंग स्टार्ट करने है। और मैं कह रहा हूं सीआरआई के लेक्चर्स भी अप्रोक्सिमेटली सिक्सटी फाइव सेवेंटी मतलब एग्जैक्टली दस जनवरी तक आपका सीआरआई कंप्लीट हो जाएगा और फंडिंग भी हो जाएगा तो मैं आपको पहले मॉड्यूल टू का यहां पर सब्जेक्ट लिख रहा हूं सीआर जो वाह सब्जेक्ट है मॉड्यूल थ्री का हमारा सब्जेक्ट लिख रहा हूं फंडिंग ठीक है अब दो वाह सब्जेक्ट ले लिए तो भाई वास सब्जेक्ट के लेक्चर्स अगर हम रोज देखेंगे तो थोड़ा लाइटर सब्जेक्ट भी चाहिए तो लाइटर सब्जेक्ट में मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट ये एमसीएस लेना है तो मैं एमसीएस कहूंगा क्यों उसका भी रीजन बताता हूं इलेक्टिव में मैं एमसीएस आपको रिकमेंड करूंगा रीजन

अभी हमें और दो सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो और दो सब्जेक्ट चूज करने हैं। यहां पर मैं मॉड्यूल वन के अंदर आपको गवर्नेंस और अगर आपको पॉसिबल हो तो मैं आपको कहूंगा सिलेबस वाइज इट इज वेरी इनडेप्थ सिलेबस वाइज बहुत डेप्थ है बट आरसीडी आपका 65 लेक्चर्स में हो जाएगा ड्राफ्टिंग या आरसीडी या ड्यू डिलीजेंस आपकी चॉइस में रखता हूं आरसीडी ड्राफ्टिंग या ड्यू डिलीजेंस इन तीन में से कोई भी एक ये आपको चूज करना है आप देख लो ड्यू डिलीजेंस कॉम्प्लेक्स है मतलब really आईसीएसआई ने अगर कोई पार्ट उन्हें सिलेबस में सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को सिखाना पढ़, पढ़ाना है बट उसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं पता है तो वो डीडी में डाल दिया इज अ मिक्स ऑफ गवर्नेंस मिक्स ऑफ आरसीडी मिक्स ऑफ सी आर आई मिक्स ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट में भी आता है थोड़ा वो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो फिफ्थ सब्जेक्ट सब्जेक्ट है सर क्या बोल रहे हो पांच पांच सब्जेक्ट? आ मैं उसके ऊपर पांचवा सब्जेक्ट आप चूज करोगे आई लिव इट टू यू विच आर दिच इज द फिफ्थ सब्जेक्ट आई दाफ्टिंग ऑर आरसीडी और डी डी अब ऐसा क्यों सर ये पांच सब्जेक्ट अगर हम क्लास करेंगे तो हम पढ़ाई कब करेंगे आज इस कैमरा पे मैं आपको बता रहा हूं अगर कोई इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर हमको मैसेज किया कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है सर बहुत डर लग रहा है तो आज ही मैं आपको बता रहा हूं 10 जनवरी तक आपका पढ़ाई ये फोकस और प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए 10 जनवरी तक आपका क्या होना चाहिए फोकस में बता रहा हूं मैं आपको तो इतने सिस्टमेटिकली लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए ना इतने जबरदस्त तरीके से जो भी डिसम्बर 21 के सीयर है और आरसीडी के लेक्चर्स गवर्नेंस के लेक्चर्स है इवन शुभम सर के लेक्चर्स है आपको सिर्फ लेक्चर के फ्लो में आगे आगे बढ़ना है लेक्चर्स के दौरान मैंने होमवर्क दिया है शुभम सर ने होमवर्क दिया है

बगैर पढ़ाई के सिर्फ लेक्चर अटेंड देने पर ला पाए तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपको उस टॉपिक में कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आपको मैं बता रहा हूं दस जनवरी तक आपको पढ़ाई नहीं आपको लेक्चर्स को बहुत सिंसियरली ऑनेस्टली देखना है और लेक्चर्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको क्लोजली फॉलो करना है आपसे मैं और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मतलब इफ यू आस्क मी पांच सब्जेक्ट के लेक्चर्स है अप्रोक्सिमेटली एक लेक्चर आप डेढ़ घंटे का पकड़ के चलो तो मतलब साढ़े सात घंटा ठीक है और उसमें कंटिन्यूस बीच में गैप होगा तो दो घंटा मतलब रफली आपका रोज दस घंटा में जाएगा अब दस में जाएगा आवर्स लेक्चर लेक्चर में में अब घंटा अगर अगर आएगा उसके बाद अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं पढ़ाई करना तो ये नाइन साफी होगी नंबर वन एंड नंबर टू अरे भाई गवर्नमेंट जॉब भी आठ घंटे का होता है लोग नौकरी करने जाते तो भी आठ घंटे ही करते हैं यहां पर तो दस घंटे की आपके ऑलरेडी लेबर वर्क हो गया यस और नो सो प्लीज मैं अगेन आपको बता रहा हूं जब भी आपको ऐसा लगे यार सर क्लासेस तो अटेंड हो रहे हैं बट क्योंकि ये है। Sir, आएगा हमको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी लेक्चर आप देख रहे हो उस लेक्चर के अंदर जितने भी कंसेप्ट डिस्कस किए वो सारे क्लियर है और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट स्टूडेंट्स करते हैं कोई भी कंसेप्ट अगर आपको लगे कि यार मुझे क्लियर नहीं हो रहा है पेशेंस रखो अगले लेक्चर वो टॉपिक पूरा एंड हो गया फिर भी क्लियर नहीं हुआ आप उसका फोटो निकाल के शुभम सर को मुझे सलीम सर को जिसको भी है शुभम उनको व्हाट्सएप कर देना क्या करना है व्हाट्सएप करना है। हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपको भेज देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए चलो ठीक है पेंडिंग है मैं देखता हूं बाद में कवर करूंगा बाद में नहीं रखना है टॉपिक एंड होने के बाद तुम्हारे आप पता होना चाहिए कि इस टॉपिक मान लो 15 है तो पंद्रह की पंद्रह कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए जहां तक मेरे सब्जेक्ट का सवाल है मैं जनरली हर टॉपिक की शुरुआत में सिनॉप्सिस देता हूं क्या देता हूं

जी जी ओके ड्राफ्टिंग 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 और डीडी के अंदर है तो ड्राफ्टिंग और डीडी अगर आप सोच रहे हो तो ड्राफ्टिंग डीडी में अगेन आई कैन से आप गवर्नेंस कर रहे हो सीआरआई कर रहे हो फंडिंग कर रहे हो और एमसीएस कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा डीडी के साथ जाओ राधर ड्राफ्टिंग बिकॉज गवर्नेस का काफी कुछ सिलेबस डी से लिंक है किससे लिंक है डीडी सेलिंग पे तो जब आप गवर्नेंस करोगे तो गवर्नेंस के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गिंसिपल है जो ड्यूलिजन के है वो आपको डीडी में भी आने वाले तो us, ना आपसे इनपुट लेके वी कैन राइट दिस सब्जेक्ट वही सीआरआई के साथ क्या होगा डीडी डी हां इसका मतलब ये नहीं जिसको ड्राफ्टिंग के साथ जाना जरूर जा सकता है कोई दिक्कत नहीं ड्राफ्टिंग में आपको तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजी आपको ड्राफ्टिंग के लिए दूंगा आप लोगों सर साथ तरीके की ड्राफ्टिंग पचास तो कंफर्मड मैं पढ़ाता नहीं हूं बट मैं स्ट्रेटेज दूंगा डोंट वरी पचास तो कंफर्मड है कंफर्मड और इसके बाद भी अगर किसी को पचास में आना मेरे पास आके मेरे सब्जेक्ट की फीस लेके जाना मेरे सब्जेक्ट की फीस बट मैंने बोला वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ड्राफ्टिंग के लिए स्पेसिफिकली ड्राफ्टिंग वेलकम टू दैट ये पांच सब्जेक्ट हो गए इन दस जनवरी तक के जो आपका शेड्यूल होगा अब कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ सकता हूं कोई कहता है सर मैं देर रात तक पढ़ सकता हूं मैं आपको कह रहा हूं आपको जो कन्वीनियंट है जो फिजिबल है वो आपको फॉलो करना है बट एक चीज भूलना नहीं है और वो एक चीज है रात में सात घंटे की नींद लेना है जो आपने एग्जीक्यूटिव में मेरे से काफी बार सुना होगा सात घंटे की नींद लेना ही लेना है मतलब अगर आप देर रात में एक बजे सोते हो लेक्चर देखकर तो सुबह आठ बजे उठना है अगर आप रात में नौ बजे सो रहे हो तो सुबह चार बजे उठना है और चार बजे से लेक्चर देखना सर सेवन आवर्स ऑफ स्लीप जरूरी है अगेन में सर दो दिन मेरे लेक्चर नहीं हुए तो मैंने सोचा थोड़ा खींच लेता हूं चार पांच घंटे की नींद लेके नहीं करना है नहीं करना है क्यों बिकॉज लेक्चर्स के अंदर आपको हंड्रेड परसेंट क्या करना चाहिए फोकस कॉन्सेंट्रेशन और एफिशियंसी बहुत जरूरी लंच के पहले का लेक्चर और लंच के बाद के लेक्चर का फर्क क्या होता है ऐश्वर्या को पूछो <laughs> तो अगर आपको सारे लेक्चर्स ईमानदारी से सारे लेक्चर्स ईमानदारी से 100 परसेंट एफिशियंटली अगर अटेंड करने हैं तो आपका उसमें सेवन आवर्स ऑफ साउंड स्लीप फॉर यूर्से ओनली साउंड फॉर अदर से नहीं है साउंड स्लीप ओनली फॉर यू जरूरी है अब ये सात घंटे की नींद आप सर बता रहे हो हमको तो नौ घंटे 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 सोने की आदत है सर आप बता रहे हो पहले आपने हमको थोड़ा सा डरा दिया घंटा आपको रात में सोना है आपका दस घंटे का लेक्चर का शेड्यूल होगा साढ़े सात घंटा मैं उसको ढाई घंटा बीच में ब्रेक करो दस घंटा आप पांच घंटे के लेक्चर होने के बाद कब पांच घंटे हो सकता है कोई लेक्चर दो घंटे का था कोई डेढ़ घंटे का था कोई एक घंटे का था तीन लेक्चर हो गए साढ़े चार घंटे ठीक है जैसे आपके पांच में से तीन लेक्चर हो जाएंगे दिन के पावर, पावर, हाँ। नहीं था पावर में। पता है ना क्या करने का पावर में। जस्ट क्लोज आइज डाउन सर नींद लग जाती है सो जा कोई दिक्कत नहीं शुरू शुरू में नींद आ जाएगी बट उस वक्त पिछले तीन लेक्चर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तुमने पढ़ी थी उसको जस्ट रिकलेक्ट करने की कोशिश करनी सबकॉन्शियस माइंड होता है ना बिकॉज क्या होता है आपको अलग से पढ़ाई करने के लिए वक्त नहीं है तो ये जो पावर नैप होगा ये आपके माइंड को काम भी करेगा एट द सेम टाइम आपने जो तीन लेक्चर्स देखे हैं उसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिकलेक्ट हुए तो आगे जाके वो आपको पढ़ाई के वक्त ज्यादा हेल्पफुल होगा इसलिए 45 फाइव मिनट स्पेंड कर रहे हम मतलब आपकी नींद सात घंटा प्लस फोर्टी फाइव मिनट्स में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको बढ़िया कब होगा तीन लेक्चर्स होने के बाद अब मुझे इस पर भी बहुत क्लियरली बताना पड़ता है स्टूडेंट्स को ये अगर आप मॉर्निंग में करते हो लंच से पहले आपके तीन लेक्चर्स हो गए तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं लंच के पहले तीन लेक्चर्स हो गए लंच कर लिया और फिर पैंतालीस मिनट के लिए पावर नैप कर लिया नहीं करना है लंच से पहले तीन लेक्चर्स हो गए पहले फोर्टी फाइव मिनट्स का पावर नैप करना है उसके बाद लंच करना है क्या बोल रहा हूँ हंड्रेड परसेंट में आपके सामने एक सच्चाई रख रहा हूं जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो क्या करते हैं लंच के बाद सोते हैं लंच के बाद सोकर जब आप उठते हो आपका माइंड इतना फ्रेश नहीं रहता आइडल रहते हो और आपका लेजीनेस में अगला डेढ़ दो घंटा चला जाता है कभी भी आप ऑब्जर्व करो दोपहर का समय इससे बेस्ट ये है कि लंच से पहले आपने तीन लेक्चर्स कर लिए आधा पौन घंटा सो जाओ उसके बाद फ्रेश माइंड से उठो लंच करो तुरंत आप पढ़ाई के लिए बैठ जाओगे और पढ़ाई में जो आपका फोकस होगा डेफिनेटली लंच के बाद सोकर उठने से 100 परसेंट ज्यादा होगा और ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है आपने अक्सर सुना होगा इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स दे डू थिंग्स डिफरेंटली ये वो छोटी छोटी चीजें जो अलग करते जो रैंक ये छोटी चीजें अलग करते हम क्या करेंगे खा लिया खाना आई मला उठा आर देता आई गेली बाजारात तूटला दोन तासांनी

मूवी चले जाओ आपको जो पसंद है वो करो जो भी पसंद है वो करो कोई दिक्कत ये क्या होता है ये नहीं पता तुम्हें क्या होता है? अच्छा ये क्या होता है भाई आ देखो कुछ लोगों को इशारे ही काफी होते हैं, टॉकिंग 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 चैटिंग 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 ओके 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 तो भाई गॉसिपिंग नहीं बट एक चीज है आपने सी एस प्रोफेशनल के फ्रेंड को फोन लगा कि मत बोलो कि तेरा कितना हुआ है और मेरा कितना हुआ है जो सबसे बड़ी अगेन गलती जो स्टूडेंट्स करते हो माय गॉड तेरे चार हुए मेरे दो ही हुए मेरा कैसे होगा फिर तुरंत सर को मैसेज नहीं करने का हर स्टूडेंट अलग है हर स्टूडेंट अलग है आपके सबके मार्क्स भी अलग है आप फिर भी एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में हो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ाई अलग अलग की थी हाँ सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है कि मैंने दिए हुए इंस्ट्रक्शन जो है वो आप फॉलो करोगे देखो मैं जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूं ना ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो गलतियां सोच सोच कर मैं आपको बता रहा हूं अभी तक के डिस्कशन से आई होप यू हैव दैट माइंड एंड थॉट प्रोसेस क्लियर ऐसे बोलती हाँ हाँ आगे बढ़ो चलो हो आगे बढ़ो अभी तो भैया पांच सब्जेक्ट डे टू डे रूटीन दस जनवरी तक का अभी तक का जो डिस्कशन हुआ इसको लेकर कोई डाउट कोई सवाल फिली टू आस और डाउट ना होने के दो रीजन होते तो सबको पता है जो मेरे स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव उनको पता है एक तो समझाया फर्स्ट कैटेगरी जागृति बोलती थी ओके अब मेन गेम स्टार्ट होता है इलेवन चा ध्यान रखना कैसे बिकॉज दस जन तक तो आपने सिर्फ लेक्चर्स अटेंड किए लेक्स कंप्लीट किए पांच सब्जेक्ट अब ये पांच सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए बचे अभी चार सब्जेक्ट इन चार सब्जेक्ट के लिए डेडलाइन क्या देना है मैंने और शिवम सर ने बहुत अगेन मैं बता रहा हूं ये ऐसे हवा में नहीं डिस्कस हो रहा है मैं मैं बता रहा मैंने और शिवम सर ने इसके ऊपर डिस्कशन किया मैं बोल रहा था फिफ्टी मार्च बोले मार्च फिर बोला थर्टी फर्स्ट मार्च फिर बोले मार्च हम लोगों ने कंसेंसस में ट्वेंटी टू जीरो मार्च उसके रीजन लॉजिक्स बहुत है आपसे शेयर करूंगा तो हमारा अगला शेड्यूल है इलेवेंथ ऑफ जैन से लेकर 20th मार्च तक का अब ये इलेवेंथ जैन से 20th मार्च तो अगेन अगर हम काउंट करें तो कितने दिन हुए बोलो सेवेंटी डेज जिसमें अगेन कंटिजेंसी में हम क्या करेंगे दस दिन निकलेंगे इस बार बीस दिन नहीं आएंगे दस दिन जरा डाल दो ना ट्वेंटी डेज निकलेंगे नहीं तो हो जाए बल्ले बल्ले डेज अब ये साठ दिन आपको मिलेंगे इसमें क्या करना है आपको प्रायोरिटी नंबर वन जो आपने वास्ट दो सब्जेक्ट सीआरआई और फंडिंग कंप्लीट कर लिए थे तो हमारा पहला वास्ट सब्जेक्ट यहां पे आएगा टैक्स मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने डीडी चूज किया है तो मैं यहां पे ड्राफ्टिंग लिखूंगा अगर आपने ड्राफ्टिंग किया तो आप डीडी लिखोगे टैक्स ड्राफ्टिंग आरसीडी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट जो स्टूडेंट कोई और इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आईपीसी आई गिव यू कस्टमाइज प्लानिंग फॉर दैट पर्टिक्यूलर सब्जेक्ट यू कैन आस्क मी वन टू वन आई कैन हेल्प यू ऑन दैट डोंट वरी एट ऑल और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने आई ही लेना चाहिए यू कैन आपको उसके लिए हेल्प चाहिए तो सीआरआई कि किया तो सीआरआई में जो 50 मार्क का आपका आय हो गया तो आईबीसी का उतना एक थियोरिटिकल पार्ट हो जाता है तो बचता क्या है स्टडी तो वो एक काम होता है बट अगेन एवरीथिंग प्रोज एंड कॉन्स अब यहां पर आपको सबसे ज्यादा वर्क लगने वाला है टैक्स के लिए सबसे कम वर्क लगेगा इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड ड्राफ्टिंग के लिए तो वेटेड एवरेज वाइज नंबर वन टैक्स नंबर टू नंबर थ्री इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड नंबर ड्राफ्टिंग तो आपको करना क्या है आपको अल्टरनेट डे ड्राफ्टिंग और इलेक्टिव सब्जेक्ट करना है लेक्चर्स चार लेक्चर नहीं देखना है यही तो स्ट्रेटेजी होता है ना स्ट्रैटेजी ऐसे थोड़ी होता है मतलब एक दिन ड्राफ्ट नहीं एक टॉपिक ड्राफ्टिंग देख लिया एक टॉपिक इलेक्टिव कर लिया ताकि ऐसा ना हो कि हम कुछ छोड़ रहे एक टॉपिक ड्राफ्टिंग एक टॉपिक इलेक्टिव का ऐसा करोगे आप ड्राफ्टिंग और इलेक्टिव के साथ और आरसीडी और टैक्स अप्रोच करोगे जिसमें टैक्स के आप रोज दो लेक्चर देखोगे कितने लेक्चर देखोगे दो इसलिए क्योंकि मैंने ये चार में से इनको एक पर लेकर आया और टैक्स के इतने लेक्चर लिए आपको दो अब दो कैसे एक साथ देखोगे नहीं एक लेक्चर सुबह देखोगे एक लेक्चर शाम में देखोगे और बीच के समय में आप जैसे ही टैक्स कलेक्चर मॉर्निंग में आपने देखा तो उसके तुरंत बाद उस टैक्स कलेक्चर का, का कोई होमवर्क होगा वो पहले कंप्लीट करोगे उसके बगैर सेकंड लेक्चर नहीं देखोगे स्टूडेंट अभी जब सुनते हैं ना यस सर सर बाद में भूल जाते हैं अरे राहुल गेलर तो लेक्चर शुरू ठीक है अभी लेक्चर की बात करते कॉमन एक्सक्यूजेस ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले भी कहा था

तो भैया ब्लाइंडली मेरे बातों पर फॉलो करो ट्रस्ट करो क्या होगा मैक्सिमम एक अटेम्प्ट सर के नाम क्या होगा वर्स्ट कम वैसे भी एक दो अटेम्प्ट आप खुद के लिए देते हो एक हाथ सर के लिए तो बट मैं आपको बता तो रहा हूं आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे आप बोलोगे सर आपने जो बता था हंड्रेड परसेंट वो हमने फॉलो किया तो हमको सक्सेस मिलना ही मिला और आप बोलो ना ऐसे शेड्यूल के लिए कोई स्टूडेंट इसके बाद भी फेल हो जाए तो फिर उस स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं टीचर का प्रॉब्लम उसका बैड लक और क्या कह सकते बैड लक Yes no? तो चार लेक्चर रोज देखना है बट चार लेक्चर में दो लेक्चर कौन से देखने टैक्स के और रेगुलरली देखोगे आप बराबर आपका डेज में हो जाएगा और एक दिन ड्राफ्टिंग एक दिन इलेक्टिव सब्जेक्ट इज दैट क्लियर ये आपका शेड्यूल रहेगा ट्वेंटी का जिसमें टेन डेज कंटिन्यूसी पकड़ा है मैं इसलिए पकड़ रहा हूं ये टेन डेज भी अभी यहां पर बीकॉम का आपका एग्जाम आ सकता है कुछ जो बीकॉम कर रहे हैं तो हमने ट्वेंटी मार्च इसलिए रखा है थर्टी फर्स्ट मार्च की जगह कि अगर बीकॉम का एग्जाम आता है तो एक हफ्ता आपका जाएगा उसमें एक हफ्ता जाएगा तो ये बीस मार्च के बाद हम एक हफ्ता बीकॉम के लिए भी रखेंगे ट्वेंटी ऑफ मार्च तक का बट वो बीकॉम के लिए वो दिन बीकॉम मार्च गया समझो तो आपके हाथ में कितने बचते दो महीना अप्रैल और मई जो मोर देन सफिशियंट है अगर आपने इस अप्रोच को फॉलो किया तो मोर देन सफिशियंट अभी जो दिसंबर में स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे ना दिसंबर में उन स्टूडेंट्स के भी, भी क्लासेस कंप्लीट हुए सितंबर में उनको भी दो ढाई महीने मिलेगा आपको 45 दिन कम मिलने के बावजूद भी आपके हाथ में कितने बज रहे दो महीना जिसमें बीकॉम के भी आठ दिन हमने अलग से कर निकाल लिया टू फुल मंथ्स यू गेट मोर देन सफिशिएंट यस और नो और मैं अगेन आपको बता रहा हूं वाकई में मतलब मैं आपको बोलूंगा मैं दो जब नौ से पढ़ा रहा हूं प्रोफेशनल में

तो लेक्चर्स में ऐसी ऐसी डिस्कशन हुए ऐसी ऐसे ऐसे मतलब बोलते ना हम जैसे ब्रेन सेशन होता है इतना जबरदस्त हुआ ना आई वॉज सो एंड देन आई वर्ड विद सर ऑफ द सेम है की रिकॉर्डिंग बहुत जबरदस्त हुई तो आपको जनरली कोई डाउट नहीं रहेगा बट फिर भी अगर डाउट रहता है तो यू ऑलवेज हैव आवर नंबर यू कैन ऑन व्हाट्सएप और प्लीज अगर एक मैसेज पर रिप्लाई नहीं दिया तो जेंटल रिमाइंडर वन जेंटल रिमाइंडर टू नहीं तो तुरंत सर रिप्लाई नहीं करते भला क्या सिर्फ बोलते भाई ऐसा कभी नहीं होगा जो भी मेरे एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स आप पूछना उनको अब वो मैसेज करते हैं तो मैं उनके मैसेज का रिप्लाई एक दिन दो दिन बाद करता जरूर हूं बिकॉज जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना का यू you नो know? और ऐसा हम अक्सर कहते हैं कि जो अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन अ बर्ड इन बुश इन यू आर यू हैव शोन दैट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन मी एंड इफ एम नॉट एबल टू गिव माई बेस्ट टू यू देन हाउ आई कैन गिव माई बेस्ट टू दैट स्टूडेंट हुर नॉट माई स्टूडेंट्स सो आई पर्सनली एम द ओपिनियन कि मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट है और देखो अगेन मैं कहूंगा हो सकता है कोई स्टूडेंट सेटिस्फाइड ना हो बिकॉज एंड ऑफ द डे विराट कोहली को भी नाम रखने वाले लोग हैं धोनी को भी नाम रखने वाले लोग हैं भगवान को भी लोग कहते हैं नहीं नहीं भगवान तो गलत है मैं कंपेरिजन उनके साथ नहीं कर रहा हूँ बट मैं कह रहा हूँ कि कोई परिपूर्ण नहीं है हम में भी खामियां होगी हम में भी गलतियां होगी बट हमारा जो हम कह सकते हैं ना थॉट प्रोसेस और आपके लिए जो सोच है ना वो बहुत प्योर है कि भाई आपने अगर इंस्पायर ज्वाइन किया है तो आपको आउटकम आना चाहिए और मैं आपको अगेन महबूब जो फर्स्ट डे आया था महबूब का जो डिस्कशन था मैं इट इट फ्रॉम हार्ट अगर आपने उसकी बातों को नोटिस किया महबूब ने जो बोला आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए एक्चुअली वो एग्जीक्यूटिव में दो सब्जेक्ट में चालीस पर पास है एग्जीक्यूटिव में दोनों क्लियर था चालीस पर पास है और प्रोफेशनल में रैंक है इट वॉज अ टर्निंग कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी बट ये जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे ना उनका जून महीने में उनका दिसंबर में अटेम्प्ट था उसका जून महीने में मैंने उनके बैच में ऐसे शुरुआती दो दिनों में इंस्ट्रक्शन दिए थे और वो मेरे पास आया था और मुझे बोला था कि सर मुझे रैंक में आना है आपने ये जो इंस्ट्रक्शन दिए मैं वो क्लोजली फॉलो करूंगा सेप्टेम्बर में क्लासेस एंड होने के बाद उसे घर जाने का मौका मिला था वो घर जाने वाला था मैंने उसे कहा घर मत जा पढ़ाई करने के लिए अगर तुझे रैंक में आना है तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा मेरे क्लास थे ना इस पर मैंने रिक्वेस्ट मैंने कहा तू यहां पर ही पढ़ कुछ भी अगर डाउट होता है तो मुझे आके मिलेगा वो घर नहीं गया वो एग्जाम के तीन दिन पहले घर गया यही पे रुका था बिकॉज जब मैंने कहा उसे जा मत घर पे यही पे रुक ताकि मुझे क्लोजली तेरा परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते आएगा इंस्ट्रक्शन जो भी मैं दूंगा उसको फॉलो करना है फिर वो जैसे डीटी के लिए सी फाइनल के पेपर सॉल्व करना सी फाइनल का आरटीपी लेना जीएसटी वगैरह वो छोटे छोटे बातें बट वो छोटी छोटी बातें कभी कभी एग्जाम में आपको पचपन साठ मार्क दिलाती है जो फोर्टी फोर्टी हो सकते थे और मैं आपको बता रहा हूं मैं भले ही आपको गवर्नेंस आरसीडी और सीआरआई पढ़ा रहा हूं बट इफ यू आस मी मैं हर सब्जेक्ट का नॉलेज रखता हूं हर सब्जेक्ट का यू शुड फ्रीली फ्रीली डिस्कस विद देम अगर आपको कुछ पसंद नहीं भी है कॉल करो सर मजा नहीं आया सर कोई दिक्कत नहीं वी आर ओपन फॉर क्रिटिसिज्म ऐसे नहीं सर को बुरा लगेगा नहीं लगेगा वी आर ओपन फॉर क्रिटिसिज्म बट पीठ पीछे बात मत करो जो भी है ना सामने खुल से बात करो सर ऐसे ऐसे नहीं सर अच्छा नहीं लगा ठीक है ना भाई जो भी है, डिस्कस करेंगे बात करेंगे क्या होता है वो आज से आपको सीखना है यू आर नाउ सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट मैंने आपको तनवीर सोलूजा का मैसेज पढ़ के बताया था सीएस बनने के तीन साल बाद भी आज वो बंदा दिल्ली में जब प्रैक्टिस कर रहा है तो वो बोल रहा है कि सर तीन साल पहले आपसे जो एथिक्स में पढ़ा था उसके मेरे को प्रैक्टिस में फायदा हुआ और क्या चाहिए मुझे जिंदगी में नथिंग बस भैया आपको अगर बैस बनने के बाद भी याद रहा दैट इज माई अचीवमेंट और ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिया ना इसमें कहीं पर ऐसा नहीं, नहीं। मैंने फोकस किया कि भैया मैं मैं गवर्नेंस पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं रहा पढ़ा, तो पहले ये कंप्लीट कर दू। उसके बाद सब सोचो बैलेंस किया है और एक सब्जेक्ट मैं आपको अगेन बता रहा हूं टैक्स के साथ साथ जो आपको बहुत ध्यान रखना है वो है आरसीडी मैंने टॉपिक वाइज आरसीडी टॉपिक वाइज रिवीजन लिया मतलब आप लेक्चर देखा एक लेक्चर देखा रिवीजन तभी देखना है जब आपको किसी दिन लेक्चर देखने की इच्छा नहीं है क्या हुआ वो देखना है मान लो चैप्टर नंबर रेगुलर बैच में अगर दस लेक्चर्स में हुआ है, है। तो आपको आप भी याद नहीं आ रहा है चैप्टर नंबर है डेढ़ दो घंटे का रिवीजन देख लिया कॉन्फिडेंस बिल्ड रिवीजन तभी देखना स्टूडेंट्स क्या करते लेक् वो कोई मतलब नहीं वो तुरंत लेक्चर शुड ओनली बी सीन वेन यू फील डाउन

मैं क्यों रिकमेंड नहीं करूंगा मैंने लॉजिक बताया बिकॉज़ बेटा क्या होता है तुम्हें एप्लीकेबल होते हैं you know, जीएसटी है है. का बेटे साठ मार्क है दस मार्क कस्टम्स है और डी सिर्फ तीस मार्क के लिए उसमें भी डी में आपको फाइव एयर्स ऑफ इनकम से ज्यादा आपको प्रोसेल पार्ट आता है और फाइव एयर्स ऑफ इनकम में पीजीबीपी और कैपिटल इस पर ही फोकस होता है If me DT or GST, अरे भाई जीएसटी को तुम्हें इस तरह से समझना है कि जीएसटी तुम्हारा साठ मार्क मतलब कोई कोई है मतलब अगर आपका जून में एग्जाम है तो आप मुझे खुद बोलो आपके लास्ट डेट ऑफ अमेंडमेंट क्या होगा थर्टीन नवम्बर तीस नवंबर लास्ट सिक्स मंथ बिफोर द एग्जाम होता है ना तो तीस नवंबर तक जो होने वाले चेंजेज हो, वैसे भी आपको एप्लीकेबल है

शायद सी एस एग्जीक्यूटिव में मैंने ये स्टोरी शेयर की थी मेरे फ्रेंड स्टूडेंट्स के साथ कितने स्टूडेंट्स याद है पता नहीं मेरा जब सी इंटर का था था उसका मैंने बताया इंटर का जब मेरा एग्जाम था इन द ईयर 1999 नवंबर एग्जाम से चार महीने पहले मेरे दोनों ग्रुप की पढ़ाई हो चुकी थी फोर मंथ्स बिफोर सीए फाउंडेशन में मेरा एक मार्क से तो decided, मेरिट गया था वन मार्क तो आई डिसाइड आना है सीए इंटर में जब बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते चार महीने पहले मेरी दोनों की पढ़ाई हो चुकी थी हो चुकी थी तो मेरी तो सबसे पहले पढ़ाई हो चुकी थी मैं तो रैंक में आना चाहिए था। बट मैं इंटर स्कोर था मेरा 300 पासिंग था सारे फोर्टी नाइन फिफ्टी ऐसे मार्क्स वाई बिकॉज बहुत जल्दी पढ़ाई करने से आपको सक्सेस मिलता है ये मिथ मिथ सही समय पर सही जगह पर और सही समय पर उड़ान भरने से आपको सक्सेस मिलता है फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है वो ऐसे टेक ऑफ नहीं करता रॉकेट जाता है ऐसे तो वो ऐसे ही आता है रॉकेट वापस फ्लाइट ऐसे ऐसे जाता है और आपको ऐसे ऐसे ही जाना है ध्यान रखना आपको अगर वाकई में जून 22 आपका फुल एंड फाइनल रखना है ना प्रोफेशनल के लिए ये जो मैंने बताया आउट ऑफ मतलब विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्टी बास आई एक्सपीरियंस एनी बायस जो होता है स्टूडेंट के साथ मैं मैं मुझे बट मैं आपकी जगह होता और मेरे पास जून ट्वेंटी है वाइजेजी इसमें मुझे दो महीना भी मिल रहा है मुझे सफिशियंट समय भी मिल रहा है सर ने यह भी कहा है सर यह जो सेकेंड हाफ ऑफ फोर मंथस हमें पढ़ाई करनी है चार लेक्चर आप देखोगे पहले इसमें पांच देख रहे हो पहले सेकंड इसमें चार देख रहे हो तो बट नेचुरली आपको दो घंटा एक्स्ट्रा मिलना है अब वो दो घंटे में करना क्या है वो दो घंटे में पहले पांच सब्जेक्ट की रिविजन करना है बट वो सिर्फ मंडे टू सैटरडे संडे के दिन आपको अभी के मतलब सेकेंड हाफ के जो सब्जेक्ट चलेंगे उनको ओवरलुक करना है संडे के दिन जब भी हो सर दो घंटे में होगा क्या भाई रिविजन करना है जैसे कंटिन्यूस किसी एक दिन आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हुई लेक्चर देखने की इच्छा नहीं हुई उस दिन सिर्फ रिवीजन करो सिर्फ लेक्चर देखो अब इससे और डिटेल में आपको क्या प्लानिंग दू आपके मेरे हिसाब से हर सवालों का जवाब मिल गया और मैं आपको बता रहा हूं कोई आपको कुछ भी बोले मॉड्यूल इज बाइबल फॉर सीएस प्रोफेशन भगवत गीता कुरान मॉड्यूल मॉड्यूल को और इसलिए मैंने काफी जगह पर मैं बता रहा हूं काफी जगह पर स्टूडेंट्स को सीधा मॉड्यूल दिखाया भाई ये देख ले बाद में कंप्लेट मत करना इजी इज ओमिट क्या इजी इज रिपीटेड डिफिकल्ट इज ओमिटेड दिस इज आवर पोर्शन कंप्लीटेड पूरा मॉड्यूल तुम्हारे सामने मतलब ये दूध का दूध पानी का पानी और एक भी पेज एक भी पेज मॉडल का ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ाया नहीं वहां पे नॉट अ सिंगल पेज हाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका वेट जैसे आप क्रॉस बॉर्डर इंसोलवेंसी एक टॉपिक है सीआरआई में आई के अंदर क्रॉस बॉर्डर इंसोलवेंसी जिसमें इंटरनेशनल इंसोलेंसी जो कोर्स होते हैं ना वहां पर के एप्लीकेशन है वो आपके एग्जाम में उसका वेटेज भी हार्डली एक क्वेश्चन आता है आया तो भी और वो फिक्स नहीं आएगा आएगा जैसे मैंने आपको कहा था एक टॉपिक है जो पंद्रह मार्क के लिए आता है वो सार्फिस एक्ट है जो पंद्रह मार्क के लिए आता है बहुत डिटेल में है वो तो जब बचा पैंतीस मार्क तो उसमें से कुछ दो चार टॉपिक आपको पता चलेगा इंस्ट्रक्शन मैंने दिए तो उसमें ये चैप्टर फिर आपको पता चलेगा सर ने इस चैप्टर में लेक्चर में ही कहा मैंने ये आप दिमाग मत लगाओ ये आपने दिमाग में लगा जितना मैंने दिया उतना ही करना है क्योंकि क्या होता है अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मुझे हर पेज करना है हर हर एक लाइन करना है तो आप खुद एग्जीक्यूटिव में एक्सपीरियंस कर चुके हो अगर आपने हर पेज और हर लाइन करने की कोशिश की डेफिनेटली उस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आते आपने अगर स्मार्ट वर्क किया होगा आपके मार्क्स बड़े होंगे मैं जेआईल में कितना एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को गला फाट फाड़ के कहता हूं भैया सत्रह चैप्टर दिमाग में मत लाओ छह चैप्टर दिमाग में लाओ जिनका वेटेज ही साठ सत्तर मार्क है

वो दस ज्यादा मार्क के लिया अस्सी मार्क मतलब बीस मार्क के लिए, लिए दोनों दस दस मार्क के लिए हमारे पास नहीं होता है, उसका टेंशन लेते हैं जैसे आपको सब्जेक्ट का टेंशन आएगा सर ने कहा था ये टॉपिक कितने मार्क का है अरे ये हार्डली इंपॉर्टेंट है मारो गोली चलो आगे बढ़ो सर ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं नहीं ये तो करना पड़ेगा भाई टेंशन आके नहीं चलेगा करना पड़ेगा सिंपल ठीक है बहुत डोज दे दिए मैंने बहुत दे दिए ना हाँ बोल बेटा था था। मैं तुम्हें बताऊंगा मॉडल देखना भी नहीं मेरे सब्जेक्ट के लिए अगर मेरे सब्जेक्ट के लिए अगर तुम मॉडल देखोगे तो फिर तुमने मेरा क्लास लेके कोई फायदे नहीं किया और जब तुम मेरे सब्जेक्ट देख रहे हो तो मैं मॉडल में अपने आप

फर्स्ट पेज ये लास्ट पेज मॉडल के सारे क्वेश्चन मतलब लेक्चर्स में ही तुम्हारे मॉडल कवर होंगे हाँ आई डोंट नो अबाउट ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट इज द स्ट्रेटी ऑफ और शुभम सर बट अगर किसी सब्जेक्ट के लिए मान लो तुमको मॉडल का रेफरेंस नहीं दिया गया ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि सोम्या मैडम ने भी मॉडल के बारे में रेफरेंस दिया तो वो भी मॉडल कवर करती होगी और कोई भी टीचर प्रोफेशनल अगर एक अच्छा टीचर है तो मॉडल कवर करेगा मॉडल कब आपने पढ़ना चाहिए अगर किसी सब्जेक्ट के लिए आपने क्लास नहीं लगाया तब आपको मॉडल पढ़ने की जरूरत पड़नी चाहिए अगर आपने किसी सब्जेक्ट के लिए क्लास लगाया उसके बाद भी आपको मॉडल पढ़ने की जरूरत पड़ी तो समझना एक तो उस क्लास में कोई दिक्कत थी या आप में कोई दिक्कत थी आपने क्लास के तरह ध्यान नहीं दिया दो में से एक हो सकता तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता तो मेरे समझ के लिए तो मैं डंके की चोट बोलता तो। हूं ना कि मॉडल मैंने जितने नोट्स दिए उस नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा प्रोफेशनल में एक दो थोड़ा करने का एक्जीक्यूटिव बोलता हूँ गारंटीड इसके बाहर कुछ नहीं आएगा प्रोफेशनल में भाई थोड़ा एक्सपर्टाइज है एक हाथ 90 मार्क्स बोल सकते हैं नाइनटी मार्क्स इसके बाहर नहीं आएगा और कुछ सवाल दे 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 पांच दिन की यूरोप टूर घूम के आ जाओ जी लो अपनी जिंदगी मजाक करो मैं अगर तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है देख अगेन मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा है I'll, I'll नहीं। तो उस वक्त अभी आज ठान लो रिवॉर्ड माइ मैं, मैं दोस्तों के साथ दो दिन घूमने चले जाऊंगा फैमिली के साथ घूमने ये आज ही डाल दो तो तुम अपने आप मोटिवेट हो जाओ और मैं अगेन कहूंगा सिर्फ पढ़ाई करने से बंदा पास नहीं होता ध्यान ये जो ब्रेक्स है बहुत जरूरी है और कल मैंने आपको मंत्र दिया ही है शाम का आपकी पढ़ाई कुछ हो ना हो सुबह 20 मिनट का हमारा मेडिटेशन और शाम का 20 मिनट का जो हमने किया था मेडिटेशन ईशा क्रिया वाला आपको भेज दो भेज दो भेज दो मैडम भेज दो तुरंत भेज दो बट वो क्यों कर रहे हैं ध्यान रखना बिकॉज आप ध्यान रखना स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो फिजिकल हेल्थ पर ध्यान रखते हैं वो वॉक में चले जाएंगे वो जिम जाएंगे वो स्पोर्ट्स खेलाएंगे मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं रखता है प्रोफेशनल में आने के बाद सबसे ज्यादा आपके लिए मेंटल हेल्थ जरूरी है फिजिकल हेल्थ क्या दो पांच किलो वजन बढ़ जाएगा आपके एज में बढ़ जाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोफेशनल होने के बाद जिम जाके वो कवर कर लेंगे बट मेंटल हेल्थ आपका अटेम्प्ट पोस्टपोन करा सकता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो किसी अटेम्प्ट में फेल हुए ना वो सिर्फ मेंटल हेल्थ ना होने के कारण फेल हुए डिप्रेस एग्जाम से पंद्रह दिन पहले एग्जाम के वक्त जाते वक्त डिप्रेस पेपर में जाके ब्लैंक हो गए पेपर लास्ट पेपर था सोचा अभी आज लास्ट पेपर है पूरा दिन रात भर जगेंगे नाइट मारी नाइट जाके पेपर देखा और सब आ रहा है खुश हो गए ब्लैंक ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस है स्टूडेंट्स के और मेंटल मेंटल हेल्थ और के लिए क्या जरूरी है मेडिटेशन और जितनी ईमानदारी से आप सबने किया ना कल मेडिटेशन वहां पर उतनी ईमानदारी से रोज करो आपको ना ही मुझे ना ही शुभम सर को ना ही सोम मैडम किसी को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी ना ही सलीम सर कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बी यर ओन मॉनिटर हाँ कोई कुछ रहा था बस एनीथिंग एल्स मैं इसके लिए रेकमेंड करूंगा कि टीचर ने दिए हुए इंस्ट्रक्शन फॉलो करो शुरुआती लेक्चर्स में मैं मेरे लेक्चर्स में शुरू में बता देता हूँ तो शुभम सर ने भी बताया होगा मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है जब तुम पहली बार लेक्चर देख रहे हो तो तुम बेटरी एवरेज के हिसाब से मत करो गो विद द फ्लो एज द टीचर द टॉपिक्स आज भी सर ने सर आर जब आरईआईटी को बताया सर ने आपको कहा वो मत करना जैसे लेक्चर में दिया है, वैसे स्टार्ट करना देखो उसका एक पर्पज होता है मैंने आपको जब कहा में फर्स्ट सेकंड के बाद पढ़ा क्यों पढ़ाया ट्वेल्थ पढ़ाया वो अगर मैं तीन चार पांच छह आठ नौ दस होने के बाद ट्वेल्थ पढ़ा था तो आपको बहुत टाइम लगता पढ़ने के लिए बट सेकंड बार ट्वेल्थ पढ़ाने से आपको एकदम चिल्लर लगाओ एक टीचर जब पढ़ाता है ना उसका एक थॉट प्रोसेस होता है उस थॉट प्रोसेस के तो वो आगे है मैंने जब सी uh, आर के अंदर वैल्यूएशन वो एंड में पढ़ाया एज आई के पढ़ा है उनको तुरंत फर्स्ट चैप्टर लिया फोर्टीन उसके बाद तुरंत सार्फे से कराया क्यों बिकॉज सार्फे से बाकी चैप्टर्स का बेसिस है तो दर इज अ पर्पज सो गो विद द फ्लो

प्रोफेशनल में आने के बाद मुझे लगता है इस सवाल का मैं जवाब दू मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग प्रैक्टिस से उसका राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप हो जाना है बट वही अगेन आती है न, बात वही पर आती है भैया इंस्ट्रक्शन को कौन फॉलो करता है डिसिप्लिन आपके हाथ में वो मेरे हाथ में नहीं हाँ आपकी उंगली में पकड़कर आपको दिशा दिला सकते दे सकते हो डायरेक्शन दे सकते हो बट आपको चलना आपको है है आप सर कैसे चले गिर जाएंगे अभी अभी वो तो तुम्हें सोचना है उसके लिए हाँ। यस टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टेस्ट के थ्रू हो जाएगा राइटिंग प्रैक्टिस और इतना टेंशन नहीं है प्रोफेशनल में पेपर कवर हो जाता है एग्जीक्यूटिव में क्या होता है पेपर कवर होने का वक्त लगता है प्रोफेशनल के पेपर्स ऐसे नहीं होते कि टाइम ही नहीं मिला है ध्यान रखना प्रोफेशनल दिल से बता रहा हूं आपको जस्ट खुश करने के लिए दिल से प्रोफेशनल वाकई में इजी अगर एक स्मार्ट वर्क करोगे ना वाकई में इजी यस yes. तो तो देखो, देखो। लिए। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ग्रुप मेरा अलग से नहीं बनेगा जो बनेगा वो अलग लाइव बैच का उसके अंदर तुम्हें टेस्ट नहीं डालना है मेरे सब्जेक्ट के टेस्ट स्टूडेंट अपने कन्वीनियंस के देते हाँ। और मैंने जो नंबर दिया आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करके उस पर व्हाट्सएप करना है आपका स्कैन आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपका चेकिंग होता है ऐसे नहीं कि भैया सबने एक साथ देना है ये क्लासरूम टेस्ट होता है ऐसा ऑनलाइन का वो भी एक फायदा है ना आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ते टेस्ट दोगे हाँ जहां तक मेरे तीन सब्जेक्ट का सवाल आई एम नॉट अवेयर ऑफ अदर सब्जेक्ट बट मेरे तीनों सब्जेक्ट में जो भी टेस्ट दिए वो आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप करनी ही है मस्ट है यस yes. ऐसे देखो मत कोई सवाल है तो पूछ लो क्लियर yes. वेरी तो वो भी मैंने बता दिया नहीं करनी चाहिए मैं मैं कहूंगा अभी मैं अगर बताऊंगा फिर तुम बोलोगे सर आप भाषण दे रहे हो ऐसे नहीं होना चाहिए मैं दिल से बोलू व्हाट्सएप के टाइम सिर्फ आधा घंटा रुको थर्टी मिनट्स और वो भी एक समय फिक्स करो शाम का डिनर होने के बाद डिनर होने के बाद मतलब डिनर होने के बाद तुरंत वैसे भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती ना और क्यों रखना है सोशल मीडिया रखना है फिर थर्टी मिनट्स में उन थर्टी मिनट्स में आप व्हाट्सएप भी देख लो इंस्टाग्राम देख लो फेसबुक देख लो क्यों देखना है बिकॉज आज के इस एनवायरमेंट में कब का नोटिफिकेशन आ गया उन्होंने oh, no, no. मोबाइल सरेंडर करके बेटा पता चला एग्जाम में पोस्टपोन हो गया <laughs> आजकल तो सुबह क्या होता है इसलिए हमें हम आज इस सोशल मीडिया के वर्ल्ड में यह मैं कहना गलत होगा कि आपको कि आप सोशल मीडिया से दूर रहो ये गलत होगा ये अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट मैं ये रिकमेंड करूंगा आप टाइम रेस्टिंग करो आधा घंटा थर्टी मिनट्स सफिशियंट है मोर देन सफिशियंट और वो वो भी आपको मेंटल हेल्थ देता है कभी कभी किसी के अच्छे फोटो देख लिया घूमने गया मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा तो वो एक थर्टी मिनट्स ऑफ वो एक मेंटल हेल्थ देगा उतना ही टाइम रखो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है मेरी तरफ से इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा जो आपने नहीं करना चाहिए वो ये है कि थोड़ा सा एक दूसरे के साथ डिस्कशन तुझे कैसे पढ़ाया रहे मुझे अच्छा नहीं लगा रहे मैं आपको बता रहा हूं आप किसी के भी लेक्चर देखो किसी भी टीचर के लेक्चर देखो मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूं तो डोंट ब्लेम द टीचर्स अगर प्रोफेशनल लेवल पे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो कॉम्पिटेंट होना ही चाहिए और अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो इस मार्केट में सर्वाइव नहीं करेगा हाँ अगर आप फंस गए हो कहीं पर आप डेफिनेटली आपके टीचर का इनपुट लो बट अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट है टेंडेंसी ऑफ हैविंग यूजिंग ब्लेम गेम मतलब मान लो कोई लेक्चर उन्होंने देखी नहीं ठीक से और फिर बोल दिया नहीं यार ठीक से नहीं पढ़ाया फिर उससे क्या होता है वो कोई स्टूडेंट जिसने लेक्चर अभी देखा भी नहीं है वो ज़्यादा ठीक से नहीं पढ़ा यार मैंने तो अभी तक तो देखना भी स्टार्ट नहीं किया मैं क्या करूं तो ये जो हम लोग इनपुट देते हैं ना वो गलत है बिकॉज हर एक का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है हर एक का अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है इसलिए मैं कहूंगा ये मत करो इससे और अपने टीचर्स के साथ जुड़े रहो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताऊ आखिरी के वी लव मेरा भी डिसंबर ट्वेंटी का हमारा जो ग्रुप है उसमें एक ग्रुप का नाम क्या पता है स्टूडेंट है लाइफ टाइम बॉन्ड ग्रुप लाइफ टाइम बॉन्ड लाइफ टाइम बॉन्ड ग्रुप उनका सर हमारे शादियों में भी आप आना है पक्का आएंगे मैंने तुम्हारे बच्चों के शादी में आऊंगा डोंट वरी सिर्फ तुम याद रखो लाइफ टाइम तो ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करो लाइफ टाइम बॉन्ड ग्रुप जून ट्वेंटी टू होना चाहिए ऐसा मजा आता है बिकॉज सी अगर मॉनिटरी एंगल से देखे तो ओके यू हैव पेड द फीस वी हैव टॉट यू इट इज रेस्ट्रिक्टेड देयर बट आई पर्सनली फील जब मैं एक स्टूडेंट था मैं बता रहा हूं मुझे इस तरह से गाइड और ग्रूम करने वाले टीचर्स नहीं थे दिल से बोल रहा हूं हमको क्या था ये सिलेबस है भाई ये पढ़ लो खत्म तुम दो तुम तुम देख लो आई ऑलवेज यूज टू फिल दैट पिंच सलाम मुझे अगर कोई गाइड करता है मैं भी रैंक में आता ऑल इंडिया रैंक में आता जो एक मुझे अगर ये पता होता कि एग्जाम से चार महीने पहले दोनों के पढ़े होने के बावजूद मैं फेल क्यों हुआ उसका रीजन मैंने आपको बताया नहीं फेल क्यों हुआ उन चार महीनों में मैंने क्या किया बताया जब सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो गई ना मुझे कोई बताने वाला नहीं था ना उस वक्त आई लर्न फ्रॉम आई मिस्टेक्स उन मेरे चारों सब्जेक्ट पढ़ाई हो गई दोनों दोनों मॉडल की छह सब्जेक्ट की अकाउंट्स के लिए फिर मैंने मार्केट से एक रेफरेंस बुक लाई पीसी सी लॉ के लिए जीके कपूर टैक्स के लिए सिंगानी हर एक सब्जेक्ट के लिए एक रेफरेंस बुक कर ली बिकॉज क्लास जो क्लासेस लगाए थे हमने एक होती थी उस वक्त उनके क्लास के नोट्स हो गए थे स्टडी मटेरियल हो गया था क्लास के नोट्स हो गए स्टडी मटेरियल हो गए अब क्या अब ज्यादा इन डिटेल में जाने के लिए मैंने रेफरेंस बुक्स लाए हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक सब्जेक्ट के रेफरेंस इन डिटेल में था ऑल इंडिया रैंक टेंथ ऑल इंडिया रैंक फोर्थ अच्छा लगेगा पेपर में जाने के बाद पेपर देके आने के बाद बाहर मुझे समझ में आता था कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरे से आज पेपर में जब मेरा रिजल्ट आया और जब मैं एग्रीगेट में टू नाइन्टी थ्री में फेल हुआ मैंने बहुत ज़्यादा रूट कॉज एनालिसिस किया ना थिंकिंग बहुत, बहुत। मैं रोया तो बेबी की तरह था छोटे बच्चे की तरह रोया था वो भी इतना नहीं होता होगा इतना रोया हुआ है और क्योंकि क्या होता है जिस स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी में हर बार रैंक देखा है मेरिट देखा है स्कूल में टॉप थ्री में था बीएमसी के टॉप फोर में था और अचानक से कोई स्टूडेंट फेल हो जाए जिंदगी में तो आपके साथ अगर कभी हुआ तो आंखों के सामने पूरा अंधेरा आता है दुनिया लोग क्या बोलेंगे मेरे दोस्त क्या सोचेंगे मेरे बारे में मैं कहां पे हूँ फिर हम लोग शादी उत्सव या त्यौहार वहां पे जाते नहीं फैमिली को बोलते है, तुम जाओ मैं नहीं आऊंगा यह सुनो एक माइंड होता है क्योंकि वहां पर गए तो बोलेंगे रिजल्ट क्या था तेरा फिर फेल हो गया फिर वो उस माइंड सेट में और फिर जब रिजल्ट पास हो गया तो वहां पर भी पहुंच जाते हैं जहां पे नहीं बुलाया रिजल्ट अलग क्लियर फाइनल तो ये मैंने उस चार महीने में जो गलती की थी यूजिंग मल्टीपल बुक्स और मेरा गलती क्या होता पेपर के जब मुझे पेपर में क्वेश्चन आता था, था ना मुझे जवाब भी पता होता था बट मेरे दिमाग में दोनों तीनों आंसर्स और अप्रोचेस घूमते थे तो इसलिए मैं कहता हूं हर वर्ग स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर में आप देखना मैं कितनी बार बोला हूं कि एक ही बुक से पढ़ो वही बार बार पढ़ो उसी को बार बार पढ़ो उसी में इनडेप जाओ उसी में एनडेप जाओ और वो टीचर अगर तुमको बताएगा तो वही बोलेगा भाई एक ही बुक से पढ़ो गारंटेड बहुत हो गया बस हाँ मैंने बता, बता। दिया दिया बेटा उसके हिसाब से शेड्यूल तुम्हें हाँ। लेक्चर दियान है सी आर आई के एक लेक्चर का ड्यूरेशन अप्रोक्सिमेटली डेढ़ घंटा है आरसीडी के एक लेक्चर का ड्यूरेशन अप्रोक्सिमेटली एक घंटा पंद्रह मिनट है उससे ज्यादा नहीं है कोई भी लेक्चर मैंने उसके हिसाब से ही तुम्हें पांच लेक्चर साढ़े सात घंटा वैसे ही दिया हाँ वास्ट है गवर्नेंस मेरे हिसाब से साठ लेक्चर सिक्सटी सिक्सटी फाइव लेक्चर होंगे नाइनटी टू हंड्रेड हाफर्स मतलब तुम्हारा ये इसमें हो जाएगा देखो मैं आपको बता रहा हूं मैं जब यहां से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ ना फर्स्ट हाफ का मैंने शुभम सर के साथ मैं आपको बताऊँ बीस मिनट तक हम फोन पे बात करे थे ट्वेंटी मिनट्स कि ऐसा ना हो कि भैया कि वो कुछ और सोचे मैं कुछ और सोचू और आपके पास कुछ और आए तो भैया एक कॉमन और इसमें भी जब वो बात करेंगे आप जरूर उनके साथ क्योंकि ऐसे तो नहीं भाई मैंने ये बोला तो आप भी उनके साथ शेयर करना सर ने ऐसे ऐसे बताया था ध्यान रखना हर एक का अप्रोच और तरीका अलग होगा बताने का बट इसमें से आपको ये चूज करना है कि आपके लिए क्या सही होगा आपके लिए क्या सही होगा आपको किस में कम्फर्ट है मीनिंग कह रो कि भैया मैंने बोला भी यही पत्थर की लकीर है बस इसको फॉलो करो आपको अगर शुभम सर की कोई बात है उन्होंने बताई हुई अच्छी लगी तो आप उसको भी जरूर फॉलो करो आपको सिर्फ खिचड़ी मत करो खिचड़ी थोड़ा इनका थोड़ा उनका फिर तड़का अपना वो वैसे बंद करो हाँ तड़का भी देते ना स्टूडेंट तड़का खुद के भी डालते ना आईका वे जगह छे करा हुई मना चे फिर वो बोलते सर हमने सुना है पूरी दुनिया का सुनो बट करो दिल की प्रोफेशन में ऐसा करोगे तो अगले अटैम्प्ट में जरूर आओगे क्योंकि आपको प्रोफेशन का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे न्यू सिलेबस के छह अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है आपको है तो जिस बंदे ने छे अटेम्प्ट दिए न्यू सिलेबस के छह अटेम्प्ट दिए उस बंदे का आप ज्यादा इनपुट लोगे ना

बच्चा इधर से कुछ बोल रहा है पापा फिर बीवी इधर से बोली खाने को कब आ रहे हो आप तो वो वो थोड़ा सा रिलैक्स था मैंने अपने भाई को आज ही बोला कि यार मुझे अभी वो तेरे खिटखिट से नहीं मैं थोड़ा सा तीन दिन, दिन बहुत खुश हूं कि खाने के लिए कब आ रहे हो <laughs> लेक्चर में होता था ना अरे अभी साथ में बैठना है ऐसा वैसा अभी मैं रिलैक्स हूँ कितने दिन मतलब आज के दिन ही है बेस्ट एंड यस पार्टी अभी बाकी है एसपीडीपी याद रखा है अभी और मैसूर मसाला क्या बात कर रही है <laughs> नीकी और पुछ पुछ वो इधर वाला एफ सी रोड पे भी और इधर भी है ना बन गार्डन के उधर हाँ बहुत ब्रांच है बड़े लोग है भाई एफ सी रोड पे भी है क्या